से रेलिंग कूद फांद के जा रहा हूँ और फिर बोलूंगा मेरे घुटने में प्रॉब्लम हो रही है। Hey guys, welcome back. So guys, यार डेली सुबह उठ के ना मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैं hey guys के बाद मैं आपसे क्या बात करूं, क्योंकि व्लॉग की शुरुआत करना इज वेरी टफ, बट फिर भी हम शुरुआत कर देते हैं। सो आज का सीन कुछ ऐसा है कि यार मेरे ना थोड़े से घुटनों में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। एक्चुअली यार बुढ़ापा आ गया, 31 साल का लड़का हो गया हूँ मैं, कहाँ यार बताओ, अभी भी अपने आप को लड़का बोल रहा हूँ मैं। तो थोड़ा सा घुटनों में प्रॉब्लम आ गई है, तो अभी जाएंगे आज डॉक्टर के पास, दिखा के लाएंगे, क्योंकि भाई फिर जिम भी तो करनी है, जिम में बड़ा प्रॉब्लम हो रही है यार, सब वेट वेट नहीं उठा पा रहा मैं। फिलहाल अभी निकल रहा हूँ मैं मार्केट के लिए, थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा मानो मान लेके आते हैं। एंड भाई ऐसे ही चाहिए यार मेरे को बाल अपने, कि मैं उठूँ और मैं बिल्कुल भी कंगी उंगी ना करनी पड़े, बस उठो और जाओ कहीं भी जाओ, तो ऐसे ही होना चाहिए सीन। एंड भाई गर्मी, किसी की अगर जान पहचान है ऊपर वाले से तो प्लीज़ बारिश करवा दो यार, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। चलो चलते हैं, फिर हमारी दुल्हन ढकी पड़ी है। सगाई ले आए सामान। भाई भाई गर्मी ने ना हालत जो है ना खफ्ता कर दी, खस्ता हालत कर दी है गर्मी ने। बाबू आपके लिए छोले भटूरे आए हैं। सो गाइस आप सोच रहे हो कि मोनी इतने दिन से कहाँ थी, कहाँ थे बेटा आप, कहाँ थे? ट्रेनिंग चल रही थी इसकी यार। एक बार फिर उतराई हो गई है घर से नीचे, क्योंकि मम्मी का फ़ोन आया है। अच्छा यार वो डेली फ़ोन कर रही हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में मैं नहीं चाहता हूँ पैदल आए यार, तो अभी मम्मी को लेने जा रहा हूँ फिर से एक बार फिर। आओ भाई आओ, आज तो बड़े सोने लग रहे हो, की गल। दोनों सास बहुएं आम के पीछे पागल हो रखी हैं, इनकी तारीफ कर दी तो आम लेने आ गए। बट यार देखो क्या बढ़िया आम लग रहे हैं यार। बड़े साहब गुड आफ्टरनून, हो गई है जी? हो गई है। कैसा रहा आपका दिन? बढ़िया। गर्मी हो रही है नहीं हो रही? क्या खाने जा रहे हो? सो गाइस अभी जो है फ्री हो गए एंड अभी निकल रहे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मेरे को लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास, मतलब मैं खुद अपने आप को लेके जा रहा हूँ। अब भाई देखो गाड़ियाँ वाड़ियाँ ख़राब होती हैं, लोग फटाक से सही कराए थे। अब भाई मेरे को ऐसे अजीब सा लग रहा है कि मेरा पैर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैं कहा भाई दिखा के आओ अपने मन से ना वो हटाओ, जो भी क्या बोलते हैं उसको। मोनी यहाँ पे, मोनी चले। ओहो यार मोनी तेरे पास कितने कपड़े हैं यार, तू जब देखो तब नए कपड़े पहन के निकल जाती है बाजार को। पहनती तो वो इतनी अलमारी में रखी है। तो मेरे पास है ही नहीं अलमारी में रखने के। दिखाओ जरा अलमारी में। पता नहीं कितने कपड़े हैं, चलो चलते हैं देखते हैं। हम डॉक्टर हंटिंग पे जा रहे हैं। हमें किसी ने बताया कि इस डॉक्टर पे चले जाओ, तो देखते हैं रामपुर में कैसा डॉक्टर होगा पता नहीं। तो गाइस आ गए गाड़ी के अंदर, अब जो है निकल रहे हैं यहाँ से। और मोनी तूने पता किया डॉक्टर के बारे में कुछ? मुझे क्या पता यार, आप रामपुर के रहने वाले हो। मुझे तो भरोसा ही नहीं है रामपुर के डॉक्टर्स पे। ऐसे मत बोलो यार, मैं रामपुर में ही पैदा हुआ हूँ। हाँ मैं हुआ रामपुर में ही पैदा हुआ, पर आप अपने घर में पैदा हुए हो यार, अपने घर में पैदा हुए हो ना। हाँ मतलब बात एक ही है। चलो चलो देखते हैं यार, पहुंच के बताता हूँ आपको। भाई सूरज का प्रकोप देख रहे हो सामने एकदम, ये देखो भाई क्या भयंकर, सोचो हमारे आंखों पे कितनी आ रही होगी, अब वो कैमरे पे इतनी ज्यादा दिख रही है, मस्त एकदम स्पॉटलाइट बना के बैठे हुए हैं। मुनी पैसे लाई है? तो आप आए क्यों हो यार, बिना पैसे कौन आता डॉक्टर के पास? चलो 150 रुपया है मेरे पास। वो कहेगा देख ले चल निकल। बस चले बाहर रिसेप्शन ही देख के बोले जा, गोली खा ले कैल्शियम की ठीक हो जाएगा। बताओ ना। अरे तो पर डॉक्टर पेटीएम नहीं होगा उसके पास? रामपुर है ये, रामपुर की ना बुराई मत कर ज्यादा, समझ आ रही है, तू रामपुर की बहुरा। मैं बस यहाँ से रेलिंग कूद फांद के जा रहा हूँ और फिर बोलूंगा मेरे घुटने में प्रॉब्लम हो रही है। क्या बोलेंगे वो,
बुढ़ापा नजदीक है, कैल्शियम खाओ। बूढ़ा तो मैं हो रहा हूँ, 31 साल का हो गया हूँ मैं, पर वो मतलब क्या बोलेंगे बेटा इतनी छोटी उम्र में आप घुटने में दर्द फिर आप बोलोगे सर मैं छोटा नहीं हूँ। हाँ एज वो पहले ही पूछ लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस चलो आ गए हॉस्पिटल, दिखा के आते हैं डॉक्टर को, फिर आपको अपडेट देंगे कि क्या बोला उन्होंने एक्चुअल में। वैसे मैं ये हंसते चेहरे था मतलब ये नहीं होता थी ना तू कोई प्रॉब्लम मीम है ना एक, तूने मीम नहीं देखा ये वाला, ये है कि हंसते चेहरे के पीछे ये नहीं होता कि वो हमेशा खुश रहता है। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों ਨਾਲ डील करना होता। सो यहां आया हड्डी का अस्पताल। मोनी तू भी तो हड्डी है, तेरे को चेक करा दूं क्या? बनवा आए पर्चा यार रामपुर में बोलते ही ऐसे पर्चा बना दो वो दिखा तो ऐसे पकड़ना। हाँ ऐसे तो पकड़ा है, आ रहे होंगे दोनों। सो गाइस दिखाया है डॉक्टर को एंड जो है डॉक्टर ने 2-3 टेस्ट लिखे हैं, पहले वो टेस्ट करा लेते हैं उसके बाद पता चलेगा कि क्या हुआ है। बाकी रेस्ट करने को बोला है मेरे को कि रेस्ट करना, मतलब जिम भी नहीं जाओगे? नहीं जिम की नहीं, जिम की नहीं बना करी है। अरे उसने बोला नीचे पालथी मार के नहीं बैठना, तो पालथी जिम में एक्सरसाइज करोगे? जिम में पालथी मार के थोड़ी बैठूंगा मैं, उसने बोला आराम करना, तो लेग एक्सरसाइज नहीं करूंगा ना, ये क्या बात हुई? जिम तो जाऊंगा, अपर बॉडी में थोड़ी कोई प्रॉब्लम है। दो भैया 5x किया है किया है मोनी, मोनिका को व्लॉगिंग करना सिखा रहा हूँ मैं। मोनी बताइए हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग सनसेट की खोज में निकले हैं कि रामपुर में कहाँ से सनसेट अच्छा दिखेगा। सनसेट उधर हो रहा है ना शिवम, तो उधर ही जाएंगे ना, ये रोड जा ऐसी रही है यार। हाँ ठीक है चलो, अब दिखा सकते तो दिखाओ आज सनसेट। दिखा दिया तो बहुत बढ़िया जगह से फिर। हाँ ठीक है मान जाऊंगी मैं। क्या मानेगी? क्या आपको पता है रामपुर में क्या क्या जगह है? अरे नहीं ऐसे तो क्या मुझे नहीं पता है बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। ठीक है इधर मुड़ो ना, इधर सनसेट। इधर क्यों? इधर कोटी खास बाग है, कोई कैसे कोटी खास बाग में बढ़िया सनसेट दिखेगा, पर नहीं उधर बाद में जाएंगे। फिलहाल अभी चलते हैं, ये रोड जहाँ ले जा रही है जहाँ पे हम सन की खोज में जा रहे हैं। पर कोटी खास बाग तो ठंडी सड़क पे था ना? नहीं तो ठंडी सड़क बगल में ही तो है, ये देखिए ये रोड जा रही है कोटी खास बाग को। अच्छा बढ़िया, चलते हैं देखते हैं कहाँ दिखता है, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता कहाँ मिलेगा सनसेट, तो चलते हैं देखते हैं। अभी हमारा प्लान ये था कि पहले टेस्ट करा लेते हैं जो डॉक्टर ने टेस्ट लिखे हैं, तो मोनिका ने बोला मुझे सनसेट देखना है। यार शिव मैंने बोला था पहले वो टेस्ट करा लेते, कैसे होया? अरे टेस्ट करा था तो रिपोर्ट भी आ जाएगी, इतनी जल्दी थोड़ी आएगी रिपोर्ट, तो करा लेंगे ना, खूनी तो देना दे देंगे यहाँ से निकाल के। मेरा हाथ दर्द हो गया। कहानी थी एक बंदे, एक गाड़ी तो नहीं आ रही, एक बंदे को ना अलग अलग सा पत्थर दिखता है। अलग सा ना पत्थर मिलता है इतना बड़ा सा, तो उसको लेके वो घर आ जाता है, उसको बहुत अच्छा सा उससे वाइब आती है, तो वो रख देता है उसको अपने घर में ला के, और ना फिर उसके घर में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होता है, मतलब सब कुछ अच्छा, बिजनेस उसका अच्छा, पैसे वैसे आ रहे होते, सब कुछ खुशहाल। एक दूसरे घर पर कोई आता कहता है अरे ये तू क्या उठा लाया, ये तो बड़ी नेगेटिव चीज़ है, पता नहीं ये तो बड़ा शैतानी पत्थर लग रहा है। उस दिन से उसके घर में सब कुछ बुरा होना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? क्या कि मानो तो पत्थर भी हाँ, भगवान है, और ना मानो तो कुछ भी नहीं है। गाइस देखा कितनी अच्छी स्टोरी सुनाई है आज मोनिका ने। मैंने सोचा कि रास्ता दिखा रहा हूँ तो पीछे म्यूजिक से अच्छा मोनिका की कहानी ही सही है। बाकी ये देख रहे हो रोशनी, हम इस रोशनी के पीछे जा रहे हैं कि हमें कहाँ मिल सकता है सनसेट बढ़िया। मुझे बता आप कहाँ से दिखाओगे? वो पुल जो आता है उधर जाते हुए, जहाँ पे हम गणेश जी को विसर्जित करते हैं उधर ही दिखाओगे? ये नहीं कहीं और। सो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि हम नहीं देख पाएंगे, कोई जगह ही नहीं दिख रही है मेरे को, बट स्टिल आई एम फाइंडिंग अ वे आउट। पर आज यार सूरज बहुत ही तेज है यार, बहुत ज़्यादा। गाइस फाइनली वी गॉट सम प्लेस जहाँ पे हम सूरज देख सकते हैं, देखो दिख रहा है? नहीं मतलब अच्छा दिख रहा है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं सनसेट आराम से, और ये पुल चल रहा है, ये मुरादाबाद वाला पुल है, और यहाँ से दिख रहा है अपने को सूरज बढ़िया। अरे ठीक है इस पर पैर रख दिया मैंने, पहले ये रोड चलती थी और यहाँ पे फ्लाई वो होता था, क्या नाम है फाटक, को भाई क्या जाम लगता था भयंकर। हम भी इंजॉय कर रहे हैं और आप लोग भी इंजॉय करो हमारे साथ। I'll be found in the broken, way out in the crowd,
देख लिया आप लोगों ने सनसेट रामपुर से। थोड़ा हम लोग लेट हो गए इसलिए सन जो है वो थोड़ा सा दिख रहा था, बट नाउ वी नो द स्पॉट कि हम यहाँ से अच्छा सनसेट देख सकते हैं। सो आगे फिर से एक बार आ जाएंगे। बट यार वो जो क्लाउड मूवमेंट्स थी ना यार, मेरे को बड़ी सही लगी यार। मुनी हमें हो गया ना आधा घंटा हो गया यहाँ पे आए, मस्त बहुत मज़ा आ रहा था यार। एंड ये वाला पुल है जिसपे हम लोग अभी आए थे, तो यहीं से हमने लिया है। बढ़िया। सो अब चलते हैं घर वापस, और जो है घर चले ना। आपको टेस्ट नहीं करवाने? अच्छा करा लेते हैं, चलो गाइस पहले टेस्ट कराते हैं। करा लो, बुढ़ापे में पता चले प्रॉब्लम। तू बुड्ढी? बुढ़ापे में प्रॉब्लम। चलो गाइस चलते पहले ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, जो टेस्ट लिखे हैं डॉक्टर ने, फिर उसके बाद जो है रिपोर्ट जब आएगी तब देखेंगे। सो गाइस घर वापस आ गए। प्लान में थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है, टेस्ट अभी नहीं करा रहे हैं। मोनिका की ऑफिस की कॉल आ गई थी तो इसलिए घर वापस आना पड़ा। अब मेरे जिम के पास में ही है लैब, देखता हूँ आज कराऊंगा नहीं तो कल करा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगे सही यार। तो ये लगती रहती है थोड़ी बहुत चोट, वह मुझे तो एक्सरे ना करना पड़ जाए बट बाकी ठीक है। हेलो, आप मुझे कैसे कवर कर रहे हैं? क्या आप मुझे कैसे कवर कर रहे हैं? अरे आप रास्ते में आ गए ना इसलिए। मैं अनुराग भाई के सारे बदले तुमसे ले रहा हूँ। ये जितना मुझे बोलेंगे उतना मुझे समझ रहे हो। अरे नहीं नहीं मजाक कर रहा है यार, क्या ले बोलने की जरूरत है। अरे हेलो अरे 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 तुम्हारी अनुराग भाई यार उठाएंगे मैं आपने यार, मुझे सोता रह गया मैं। सो गाइस घर आ गए एंड टाइम अभी हो रहा है 10:30। बताओ यार इतना लेट हो गए 10:30। बट आते हुए मेरे को एक मेरा सब्सक्राइबर मिला, हमारा फैमिली मेंबर, बढ़िया हमारा यूट्यूब फैमिली का एक मेंबर, बड़ा अच्छा लगा मिलके यार। ऐसे रैंडम कोई आता है ना तो मेरे को बहुत खुशी होती है, मतलब कि आप लोग मेरे से कनेक्ट कर रहे हो एंड आप मेरा जो कंटेंट है वो प्यार दिखा रहे हो उस पर, आई रियली लव दैट, थैंक यू सो मच। जो भी यार मैं नाम पूछना भूल गया, आई एम सॉरी, बट थैंक यू सो मच, यू अप्रिशिएट इट, सो थैंक यू। क्या ले खाने वाने हो गए क्या? उय को क्यों नींद आ रही है? ओले तो सोती क्यों नहीं है? अभी जिम से आ रहा था, मेरे पीछे एक बंदे ने गाड़ी लगा दी। क्या करा तुमने? मैं चलता गया लगा वो मेरा पीछा कर रहा है, मैंने बाइक हल्की करी उसने भी गाड़ी हल्की कर दी, तो मैंने कहा यार क्या है, फिर मैंने हल्की सी स्पीड बढ़ाई उसने भी स्पीड बढ़ा ली बाइक की, फिर क्या, फिर मैंने बाइक थोड़ी हल्की करी कि साइड से निकल जाएगा, वो साइड में आके मेरे साथ साथ चलने लग गया, फिर उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा आगे गया फिर वो मेरे पीछे लगा दिया, जा ही नहीं रहा। नहीं फिर वो हमारे फैमिली मेंबर था यार, यूट्यूब फैमिली मेंबर। फिर अम्मा मैं रुका उसके लिए, फिर हाथ बात मिलाया हमने, फिर बातें हुई बढ़िया, फिर वो हमारा सब्सक्राइबर था बढ़िया, हमारी वीडियो देखता था। था मैं क्यों डरूंगा, मैं तो आपको डरा रहा था। अम्मा कैसे बोल रही, कह रही कि ना तू दिल में जाया कर जिम। चलो आइसक्रीम खमानो क्यों मानो नहीं क्यों मानो नहीं खानी मोन्त्रगीसा आइसक्रीम खमानो नहीं क्यों मानो नहीं खानी क्यों ना मैं खाऊंगी नहीं क्यों नहीं मेरे को दिन पापा लाए थे बहुत मीठी थी मेरे को नहीं अच्छी लगी तो नमकीन वाली ले आऊं नमकीन कौन सी है नमकीन आइसक्रीम ले आता हूं आलू भुजिया डंडी में डाला के ममानो आए मम्मी के कपड़े देख लो जरा कपड़े देख लो जरा इस औरत के और मुझे डांटती है कि कपड़े खरीदता रहता है अरे मेरे को स्कूल रोज नए पहन के जाने पड़ते क्यों मम्मी आइसक्रीम को मानो क्यों मानो व्हिच वन को मानो नहीं कौन सी आइसक्रीम चोको बार हो नो फिसाटो हाथ की बनी हुई आइसक्रीम कहाँ से मिलेगी सो गाइस अपनी तो आई है ये नो एडेड शुगर वाली क्रीम बेल की जीरो अब मानो तुम तो मना कर दी पियानो
फिर कुमानो खानो है, टेस्टी लग रही है। चलो गुड नाइट बाय। सो गाइस आज हम लोगों ने रूम एक्सचेंज कर लिया है, मैं और मोनी सो रहे हैं इस रूम में, क्योंकि आज जो है हम स्ट्रेंजर थिंग्स देखने वाले हैं। सो गाइस टाइम देखो क्या हो रहा है, 2 बज रहे हैं रात को, और अभी एक एपिसोड हमारा जो है वो निपट चुका है, क्योंकि मैं बीच में एडिटिंग करने बैठ गया था, मैंने कहा फिर आराम से देखूंगा। सो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाइएगा। सो विद दैट सेड आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय, टाटा टाटा। I realized I'd be found in the broken, a way out in the crowd, feeling open. Find somebody in my life that can make it for that one's just me, time's true.